खबर जोधपुर से है, जहां रोडवेज की मोक्ष कला स्पेशल निशुल्क बस सेवा बस स्टैंड से शुरू हो गई। आपको बता दें कि पहले दिन 4 बसेस में 123 यात्री हरिद्वार के लिए रवाना हुए। बता दें कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की इस पहल पर राज्य सरकार ने लॉकडाउन में अस्थियों के विसर्जन के लिए बस सेवा शुरू की है। लॉकडाउन होने के चलते रेल और बस सेवा बंद होने के कारण गत 2 माह में अपने परिजनों को खो चुके लोगों के मन में उनकी अस्थियों के विसर्जन को लेकर असमंजस के हालात बने हुए थे। राज्य सरकार ने लोगों की इस परेशानी को दूर करने की पहल की और रोडवेज की मोक्ष कलश स्पेशल निःशुल्क बस सेवा शुरू की। अस्थियों के साथ इन बसों को रवाना हुए लोगों के चेहरे पर संतोष साफ तौर पर देखा जा सकता था। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब ने यह निर्णय लिया कि राजस्थान रोडवेज की मोक्ष स्पेशल बसें हरिद्वार के लिए शुरू की जाए। इसी के तहत जोधपुर बस स्टैंड से आज 4 रोडवेज बसें मोक्ष स्पेशल बसें जो हरिद्वार जाएगी, इसमें 126 परिजन अपने 62 जो परिवारजन जिन्हों की मृत्यु उनके अस्थि कलश लेके हरिद्वार जा रहे हैं।